Hello everyone, my name is Ajmeddin and welcome to my channel Analyze with Ajmeddin. And today we are going to discuss about very interesting thing jiske baare mein har koi baat karta nahi hai, which is the revenue and expenditure of the government from budget 2019 and 20. This is official document which I have, which is budgetary guidance, jisme summary de rakhi hoti hai what are the receipts and expenditure of the government. And very interestingly, paisa kahan se aata hai government ke paas itni sari schemes ke liye, aur paisa kahan kahan jata hai, allocate kahan kahan hota hai, iska ye document jo hai bahut interesting hai, jisme receipts and expenditure कि कितना रिसिप्ट्स है, कहाँ टोटल रिसिप्ट्स क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कितना रिवेन्यू डिफिशिट यानी राजस्व का घाटा कितना होता है हर साल में, और इंटरेस्टिंगली ये बढ़ता जा रहा है तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. और साथ में एक रुपया आता कहाँ कहाँ से है, द सोर्सेज ऑफ रिवेन्यू, और कहाँ कहाँ जाता है एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ कहाँ जाता है, इसके बारे में भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे. फटाफट से डिटेल नहीं, समराइज्ड एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में. सो कीप वॉचिंग. सो दिस इज़ द बजट एट ग्लैंस, दैट मीन्स ये एक बजट की समरी है. और यहाँ पे आपको फिस्कल डिफिशिट पहले पेज में जो है फिस्कल डिफिशिट की कैलकुलेशन वो सब के बारे में बताया. और गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि 3,26,000 करोड़ रुपए जो है वो एक्सपेंडिचर बढ़ा है ड्यू टू ऑल द स्कीम्स विच हैव बीन गिवन इन दिस बजट. जो भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं इंट्रोड्यूस हुई उन सब में खर्चा 3,26,000 करोड़ के आसपास का रहने वाला है इस साल में. तो विच इज़ ऑलमोस्ट आई बिलीव 3.4% ऑफ GDP. ठीक है, इन सब बातों को हम छोड़ते हैं, हम एक लेमैन की तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट्स कहाँ कहाँ से आएगी और कितनी रिसिप्ट्स है. तो टोटल रिसिप्ट जो टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू से, तो टोटल रिसिप्ट जो रिवेन्यू नेचर की है वो है 19,77,000 करोड़. 19,77,000 करोड़, ओके. और टोटल रिसिप्ट इंक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल की होने वाली है 27,84,200 करोड़. इसको अगर हम देखें कि कितना होता है ये, मतलब अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो कितना बनता है, तो ये बनता है अराउंड 21,000 to 22,000 की इसकी फिगर आती है पर कैपिटा. मतलब एक इंसान के ऊपर हर साल का बजटेड एक्सपेंडिचर 22,000 करोड़ के आसपास का पर कैपिटा अगर माने तो ये चलता है. रिवेन्यू डिफिशिट की बात करें तो इस साल का रिवेन्यू डिफिशिट होने वाला है 4,70,214, जो कि 3,500 रुपये के आसपास आता है हर साल का लॉस कर्जे में जो है. अब इन सब का भुगतान कहाँ से होता है, बोरोविंग जो गवर्नमेंट लेती है उन सब से इसका जो है पूर्ति करी जाती है. तो रिवेन्यू डिफिशिट यानी राजस्व घाटा इस साल का होने वाला है 4,70,214 करोड़ रुपीज़, और पिछले साल का था 4,10,000, जो कि रिवाइज्ड हुआ है क्योंकि इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स करी है एस्टिमेट्स में, तो रिवाइज अमेंडमेंट्स हैं. तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दो कॉलम आ रहे हैं 2018-19 के पिछले बजट के जो कि रिवाइज हुआ है, ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें जो मेन पॉइंट है कि वेयर रुपी कम्स फ्रॉम, पैसा आता कहाँ से है, तो सबसे पहले तो 21%, अगर ये 1 रुपये है तो इसको पैसे में बांटा हुआ है, हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 21% कॉर्पोरेट टैक्स के सोर्सेज से आता है, 17% इनकम टैक्स के सोर्सेज से आता है, कस्टम से 4%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 7%, और GST से 21% आता है, जो कि पिछली बार के 23% के मुकाबले 21% रह गया है इस बार के बजट में. तो इस बार एस्टिमेटेड है कि 21% जो आएगा रिवेन्यू वो आएगा आपका GST से. इसके बाद नॉन टैक्स रिवेन्यूज 8% है, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट 3%, और बोरोविंग्स जो कि बाकी बचा हुआ एक्सपेंडिचर है वो करेंगे कैसे, 19% बोरोविंग्स और अदर लाइबिलिटीज है. अगर आप देखोगे टोटल रिवेन्यू, टोटल रिसिप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे फिगर सेम है इस साल की, आप देखो 27,84,200 है, ये सेम है एक्सपेंडिचर की और रिसिप्ट की, यानी कि जितना पैसा आता है उतना खर्च हो जाता है. तो वो खर्च बाकी जो बचा हुआ पैसा है जो हमारे पास इतना रिसिप्ट है नहीं, वो कहाँ से आ रही है, बोरोविंग से. तो इसका कर्जा, इसका इंटरेस्ट हर साल का वो भी बजट में ऐड होता रहता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पैसा जाता कहाँ कहाँ है, तो 12% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट में 18% ऑफ रिवेन्यू चला जाता है, डिफेंस में 8% है, डिफेंस यानी टोटल बजट का 8% जो है वो डिफेंस में चला जाता है, 9% सब्सिडरीज, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स में 8%, और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 23%, पेंशन में 5%, विच इज़ दिस डेटा इज़ वेरी मच यू नो इंफॉर्मेटिव, कि ये चार्ट से आपको समझ में आ रहा है कि डिफेंस में 8% ऑफ रिसिप्ट चला जाएगा इस बार के बजट में और पेंशन में 5%.
तो बेसिकली देखा जाए तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। और पिछली बार के डिफेंस में जो था 9% गया था, इस बार डिफेंस में जो है रिसिप्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो 8% रह गया। मतलब पैसा जाता कहाँ है, पिछली बार 9% पैसा गया था रिसिप्ट का डिफेंस में, इस बार सिर्फ 8%। तो आपको इससे परसेंटेज बेसिस पे भी आइडिया लगेगा कि कितना एक्सपेंडिचर जो है वो हो रहा है टोटल रिसिप्ट का। तो आई होप दिस शीट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। दिस इज़ फ्रॉम द बजट ऑफिशियल साइट। आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन रीड इट इनटू द डिटेल। इट्स जस्ट अ 5 पेजेस शीट।